हिमाचल प्रदेश में 23 और 24 अगस्त को मौसम ने कुछ राहत दी, लेकिन अब मौसम फिर से बदलने लगा है। 25 अगस्त से मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो जाएगा और इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले दिनों के लिए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 25 अगस्त को शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके बाद 26 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और शिमला जैसे जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 अगस्त को और ज्यादा जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इनमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर और कुल्लू जैसे जिले शामिल हैं। इस साल मॉनसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 21% कम बारिश हुई है। हालांकि अगस्त महीने में बारिश ज्यादा हुई। बता दें 8% से ज्यादा बारिश अगस्त में रिकॉर्ड की गई। ये बदलाव मौसम की मौजूदा स्थिति की वजह से हो सकता है, जो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है। हम आपको पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कई इलाकों में दर्ज किए गए तापमान के आंकड़े बता देते हैं। ऊना में सबसे ज्यादा तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा सुंदरनगर में 32.2 डिग्री, भुंतर में 34.4 डिग्री, कल्पा में 23.8 डिग्री, धर्मशाला में 27.8 डिग्री, सोलन में 29.2 डिग्री, मनाली में 26.5 डिग्री, कांगड़ा में 33 डिग्री, मंडी में 31.2 डिग्री, बिलासपुर में 33.1 डिग्री, हमीरपुर में 32.7 डिग्री, चंबा में 32.7 डिग्री, डलहौजी में 22.2 डिग्री, कुर्फी में 21.9 डिग्री और रिकांगपियो में 30.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अलर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इस समय के दौरान सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बारिश से सड़कें फिसलन भरी हो सकती है और ट्रैवल में इससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा खेतों और बगानों में भी काम कर रहे किसानों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, ताकि बारिश से फसलों को नुकसान ना पहुंचे। राज्य के नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो मौसम के अपडेट पर नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। आपातकालीन सेवाओं और मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करना जरूरी है, जिससे किसी भी तरह के खतरे से बचा जा सके। लोकलिटीन के लिए शिमला से पंकज सिंगटा की रिपोर्ट।